चूजिंग द राइट डेस्टिनेशन फॉर स्टडी एक क्रूशल डिसीजन हो सकता है एंड आई थिंक सो कि एवरी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू गो टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ एक्चुअल फी द बेनिफिट्स इवन दो कि उन्हें पता भी नहीं है कि कौन कौन सी कंट्रीज उनके बजट में आती हैं या वहाँ पर पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अपने बैचलर्स या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर हायर एजुकेशन और वो ऐसे अच्छे ऑप्शन देख रहे हैं जो कि उनके बजट में भी आएँ प्लस जो इन्वेस्टमेंट वो अपने ऊपर कर रहे हैं यानी कि जो डिग्री है वो वैल्यूएबल हो और उसके बाद जो पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी उनको मिले. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अर्शिया खान फ्रॉम 12 कंसल्टेंट्स. टॉप डेस्टिनेशन में वी हैव यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूरोप. और यूरोप में भी जो है वो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल हैं क्योंकि यूरोप में आपको शेंजन वीज़ा मिलता है. लेकिन हम जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम यूके को देखते हैं. यूके जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन कंसीडर की जाती है बिकॉज हर स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए इस वक्त जाना चाहता है बट उन्हें जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर का नहीं पता. डेफिनेटली यूके में ऑक्सफर्ड है, कैम्ब्रिज है, इंपीरियल कॉलेज लंदन है, इस तरह की बेशुमार अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है. लेकिन यूके में जो आपको एवरेज फ़ी ऑफ़र की जाती है कि आपको मालूम है कि कितनी है, यूके आपको 14,000 पाउंड्स पर ईयर से फ़ी ऑफ़र करता है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 45 लाख प्लस बनती है. ये आपकी फ़ी आती है. फिर उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनेज करनी होती है, वो 2.5-3 लाख पर आ जाते हैं. इसके अलावा वहाँ पर आपको जो है वो स्टार्टिंग में जॉब्स नहीं मिलती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स. तो स्टूडेंट्स जो हैं जो यूके पढ़ना जाना चाहते हैं उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना चाहिए तो वो यूके में सर्वाइव कर सकते हैं. यूके के बाद वी हैव ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और नो डाउट ऑस्ट्रेलिया भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो लाइफस्टाइल स्टूडेंट्स को ऑफ़र करता है. टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में हैं लेकिन जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बाकी जो चीज़ें वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, कंट्री का जो है वो सेफ होना, इसके अलावा पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ का होना, उसके अलावा जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स का होना. लेकिन आई थिंक सो कि फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि एट दी एंड आपने अपनी ही जेब से पैसे देने होते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जो फ़ी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फ़ी जो है वो $26,000 पर ईयर से स्टार्ट होती है जो कि वो भी पाकिस्तानी करेंसी में एक अच्छी खासी हैवी अमाउंट बन जाती है. कोई 35 लाख प्लस अमाउंट बनती है जो कि आपने एक साल की सिर्फ फ़ीस सबमिट करानी होती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग से आते हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद वी हैव यूएसए. यूएसए में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और यूएसए में वो स्टूडेंट्स जो कि बैचलर्स करने के लिए जाना चाहते हैं उनकी फ़ी स्टार्ट होती है तकरीबन 40 लाख से और जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं उनकी फ़ी स्टार्ट होती है 50 लाख से. अच्छा, ये स्टार्टिंग का मतलब ये है कि ये आपको वहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मौजूद होगी जो कि इतनी फ़ी ऑफ़र कर रही होगी और फिर वो आगे डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में जाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर जो है वो आप कोर्स और यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बैचलर्स और मास्टर्स के अलग होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये भी एक काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है. आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है यानी कि अच्छा खासा जो है वो आपका तकरीबन 70-80 लाख का खर्चा आ जाता है. अब बात करते हैं कि यूएसए में स्टूडेंट्स को जो है वो अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन क्या क्या डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं. वहाँ पे हाई ट्यूशन फ़ी ऑफ़र की जाती है, कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, हेल्थ केयर वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएसए में पार्ट टाइम जॉब्स को लेके. तो अब जो है वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के बाद वी हैव कनाडा जो कि फोर्थ फेवरेट डेस्टिनेशन आती है स्टूडेंट्स की. कनाडा जो है वो इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छी कंट्री है. आपको बहुत ईजीली इमिग्रेशन भी मिल जाती है, पीआर मिल जाती है, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं. लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली स्टडी के लिहाज से बात करें तो स्टडी के लिए जो मेन कंसर्न है वो आपका बजट का होना है और कनाडा में भी आपको बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ तो मिलेंगी लेकिन जो फ़ी स्टार्ट होती है वो 35 लाख प्लस से स्टार्ट होती है बैचलर्स के लिए और फिर मास्टर्स के लिए डिफरेंट है. तो आपने ये देख लेना है कि अगर आपकी जेब इजाज़त देती है इन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए तो गो फॉर दैट. आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने का मेथड जो है वो बहुत ही आसान होता है जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ. लेकिन अगर आप जो है वो इनसे भी सस्ते ऑप्शंस देख रहे हैं, अच्छा सस्ते ऑप्शंस के साथ साथ कुछ ऐसे ऑप्शंस देख रहे हैं जहाँ पे आपको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हासिल हों, जैसे कि डिग्री जो है वो वैल्यूएबल हो, आप जो है वो कहीं पर भी जाएँ तो कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको रिजेक्शन ना फेस करनी पड़े और अदर बेनिफिट्स यानी कि पीआर आपको मिल जाए, पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और देन वी हैव यूरोप.
यूरोप जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ने के लिए जा चुके हैं, और यूरोप स्टूडेंट्स को जो है वो लातादाद अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करता है। और यूरोप में पढ़ने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले तो यूरोप जो है वो आपको लो कॉस्ट बजट ऑफ़र करता है, ट्यूशन फ़ी के लिहाज से भी और कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिहाज से भी। वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैनेज हो जाती है, ट्यूशन फ़ी भी बहुत ही अफोर्डेबल है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में स्टेप बाई स्टेप कौन कौन सी कंट्री आपको कितनी फ़ी ऑफ़र करी है। अच्छा, वहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब्स करने की इजाज़त भी होती है, आप जो है वो मैक्सिमम 40 आवर्स तक जॉब कर सकते हैं एक हफ्ते में, और आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल भी जाती हैं। और जब आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं तो आप इतनी अर्निंग कर लेते हो यूरोप में कि आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हो, अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भी दे सकते हो, और अपना मंथ भी जो है वो आराम से निकाल लेते हो। अब जो है वो हम बात करते हैं कि यूरोप में एक और बेनिफिट क्या आपको पढ़ने का, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको शेंजन वीज़ा मिलने का। शेंजन वीज़ा आपको मिल जाए ना तो आप बाकी 26 कंट्रीज़ में बहुत ईजीली ट्रैवल कर सकते हैं। वो ऐसे हो जाएगा कि आपने बस एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए विदाउट डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ एक आपने टिकट परचेज करना है और आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। यूरोप जो है वो टूरिज्म पर्पस के लिहाज से फेवरेट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आपको जो है वो असल खूबसूरती मिलती है नेचर की। वहाँ पे आपको जो है वो लेक्स मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, स्विट्ज़रलैंड बहुत प्यारा मुल्क है, आप जो है वो अगर आप गूगल पे जाके इनकी पिक्चर्स देखें तो आप जो है वो खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने प्यारे प्यारे कंट्रीज़ जो हैं वो। इटली बहुत प्यारा मुल्क है वहाँ पे। इसके अलावा जो है वो जर्मनी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि जर्मनी वैसे तो तमाम स्टूडेंट्स को जो कि एलिजिबल हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए फ्री एजुकेशन ऑफ़र करता है, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर वहाँ पे किसी स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन ऑफ़र नहीं हो पाती तो आप इतनी फ़ी है कि आप वो पे करके आराम से अपना मास्टर्स बैचलर्स कम्प्लीट कर सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको फ़ी ऑफ़र करती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूरोप में अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो वो कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इन कंट्रीज में आप अप्लाई करेंगे एक तो वीजा सक्सेस रेशियो आपकी अप टू 98% है, और इसके अलावा एडमिशन बहुत इजीली हो जाता है, और आपको यूरोप में पढ़ने के लिए कोई क्रिटिकल रिक्वायरमेंट भी फेस नहीं करनी पड़ती है, जस्ट आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे जाके सबमिट कराने होते हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है। और मजे की बात यह है कि यूरोप में यूनिवर्सिटीज जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे आईएलटीएस भी डिमांडिंग करती हैं, आपने सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे अप्लाई करना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। और यूरोप इस वक्त आपको 500 प्लस कोर्सेज ऑफर कर रहा है, जिसमें आपके पास MBBS है, आपके पास इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप AI में जा सकते हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई कर सकते हैं, डेटा साइंसेज में कर सकते हैं, आप अप्लाई आर्किटेक्चरल में जा सकते हैं, इस तरह की बेशुमार फील्ड्स आपको ऑफर कर रहा है, आप जो है वो उनके लिए देख सकते हैं, मतलब जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मार्केटिंग हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको यूरोप में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में जहाँ पे आप अप्लाई करें तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वीज़ा सक्सेस रेशियो जो है वो 98% है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जर्मनी। जर्मनी में जो है वो स्टूडेंट्स को जो फ्री एजुकेशन ऑफ़र की जाती है, और वहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्राइटेरिया थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट आता है, आपको आईएलटीएस के अच्छे बैंड्स लाने पड़ते हैं तो आप फ्री एजुकेशन की तरफ एलिजिबल होते हैं, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आपको जो है वो फ्री एजुकेशन ऑफ़र नहीं हो रही और आप स्टिल जर्मनी पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना होता है, जो कि ऑलमोस्ट 50 to 60 lakhs का, बल्कि ये भी बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, 40 to 50 lakhs का होता है, और वो ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट आपको स्लोली वापस कर दी जाती है। और जर्मनी में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता स्कॉलरशिप्स पे, यानी कि आपको जो है वो फ्री एजुकेशन नहीं ऑफ़र होती, तो आपको इतनी फ़ी ऑफ़र होगी बिल्कुल मिनिमम से जितनी आप पाकिस्तान में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पे करके अपना बैचलर्स या मास्टर्स कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है माल्टा। माल्टा जो है वो स्टूडेंट्स को एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज ऑफ़र कर रहा है, चाहे आप बैचलर्स में जाएं या मास्टर्स में जाएं, और सेकेंडली जो फ़ी आपको ऑफ़र की जा रही है यहाँ पे वो 2000 euros पर सेमेस्टर है, अफोर्डेबल फ़ी है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। माल्टा के बाद वी हैव स्विट्ज़रलैंड, जो कि मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है,
क्योंकि यहाँ पे आपको नेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके पास माउंटेन्स हैं, ग्रीनरीज हैं, लेक्स हैं, और टूरिज्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, लेकिन एक रिच कंट्री है। यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस थोड़े से मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाईली पेड जॉब्स मिलती हैं। अब हाईली पेड जॉब्स हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, और लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसिव आती है। लेकिन आपको स्टडी पर्पस के लिए अगर मैं आपको फ़ी स्ट्रक्चर बताऊँ तो 4500 यूरोज जो है वो पर सेमेस्टर आपको यहाँ पर फ़ी ऑफर की जा रही है। स्विट्ज़रलैंड, माल्टा और जर्मनी के बाद वी हैव रोमानिया। रोमानिया भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भी आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फ़ी जो आपको ऑफर की जा रही है रोमानिया में, वो 2000 यूरो से स्टार्ट होती है। फिर आगे वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में या कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लिथुआनिया और क्रोशिया। लिथुआनिया और क्रोशिया वो कंट्रीज हैं जहाँ पे आपके बहुत ही इजीली एडमिशन्स हो जाते हैं, और आप जो है बैचलर्स भी आसानी से कर सकते हैं, मास्टर्स भी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे आसानी से करने का मतलब ये है कि आपका एडमिशन तो हो जाएगा, आप फ़ी कैसे मैनेज करेंगे। फ़ी जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है 2000 यूरो पर सेमेस्टर से, लेकिन आप उसे मैनेज ऐसे कर लेते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि ये वाहिद कंट्रीज हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट TRC के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, आपका TRC आ जाएगा, आपका वीज़ा आ जाएगा, और आप जाते साथ ही जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास TRC नहीं आता तब तक आपको जॉब करने में मुश्किलात पेश आती हैं। TRC आने का मतलब ये है कि आपको जो है वो कंट्री अलाउ कर रही है, उसने आपको एक कार्ड दे दिया कि आप जो है वो आप हमारी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव फिनलैंड। फिनलैंड भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है, एंड देयर आर सो मेनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त फिनलैंड में अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। एक मसला आपको फिनलैंड में आ सकता है, वो है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, माइनस में चला जाता है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप पैसों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आप कम पैसों में जाके अपनी डिग्री कम्प्लीट करना चाहते हैं और पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं, तो फिनलैंड आपको 6000 यूरोज पर ईयर से आपको एवरेज फ़ी ऑफर करता है। फिनलैंड के बाद वी हैव हंगरी। हंगरी जो है वो एक अच्छी कंट्री है, आपको वहाँ पे भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलते हैं, वहाँ पे आप जो है वो किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हंगरी में जो आपको एवरेज फ़ी ऑफर की जाती है वो 5000 यूरो पर ईयर से स्टार्ट होती है। अच्छा, ये वो कंट्रीज़ आ गई हैं जहाँ पे आपको मैंने फ़ी स्ट्रक्चर बता दिया और आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपैरेटिवली UK, USA, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया बहुत ही चीपेस्ट कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे फ़ायदा आपको क्या है यहाँ पे पढ़ने का, यहाँ पे आपको मिलता है शेंजन वीज़ा, जिसका मतलब यह है कि आप शेंजन वीज़े पे डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं जो कि शेंजन जोन में आती हैं। प्लस आप पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आपके पास जो है वो एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है कि आप बाकी कंट्रीज़ में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में अप्लाई करना और जॉब हासिल करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ लक पे डिपेंड करता है। या तो आपकी बहुत अच्छी लक होनी चाहिए, या फिर आपका CV बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन यूरोप में पढ़ने का आपको ये फ़ायदा है कि आपको PR भी मिल जाती है बहुत ईजीली, और आपके पास जो है वो जॉब्स करने के लातदाद ऑप्शंस होते हैं। और अगेन, आप बाकी कंट्रीज़ में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन करवा सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनकी ब्यूटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, यानी कि ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और उसमें आपका सिर्फ इतना ही खर्चा आता है जितना आपने, एक तो आपकी रिहाइश का, खाने पीने का खर्चा, या फिर एक टिकट का खर्चा, कोई डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस वीडियो का, कंक्लूजन ये है इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप UK, USA या इस तरह की एक्सपेंसिव डेस्टिनेशंस को अफोर्ड कर सकते हैं देन गो फॉर दैट, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूरोप आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। और यूरोप में भी मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ बता दी हैं जो कि आपके बजट में आ सकती हैं, और आप जो है वो अपने एकेडमिक गोल्स और फाइनेंशियल कंसिड्रेशन को देख के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी। 12 कंसल्टेंट्स जो है वो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस को डील करता है यूरोप में, और यूरोप के अलावा भी। अगर आप सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे राबता कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।